गाजीपुर में कर्मनाशा नदी ने फिर एक घर का चिराग बुझा दिया। चार दोस्तों की एक छोटी सी लापरवाही एक दोस्त पर भारी पड़ गई। वो तो भला उस ट्रक ड्राइवर का जो न जाने कहां से फरिश्ता बनकर आ गया। नदी में डूबते चार दोस्तों में वो तीन को तो निकाल पाया, लेकिन चौथा तब तक डूब गया। ये दुखद घटना गहमर थाना क्षेत्र के देवल में कर्मनाशा नदी के तट पर घटी है। शनिवार को दिलदार नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित जायसवाल का 17 वर्षीय पुत्र हिमांशु जायसवाल अपने तीन साथियों 18 साल के अमन प्रसाद, 19 साल के रवि सिंह और 18 साल के राहुल शर्मा के साथ दिन में करीब 12 बजे देवल के कर्मनाशा तट पर नहाने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से चारों युवक डूबने लगे। इस बीच एक ट्रक चालक की नजर डूबते हुए युवकों पर पड़ी, मानो उस ट्रक चालक को ईश्वर नहीं भेजा हो। ट्रक चालक ने किसी तरह काफी मशक्कत के बाद तीनों दोस्तों को बाहर निकाला, जबकि हिमांशु गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं संग पुलिस मौके पर पहुंचकर खोजबीन में जुट गई। उप जिलाधिकारी सेवराई विक्रम सिंह द्वारा एसडीएम बक्सर बिहार से बात कर गोताखोरों को बुलाया गया और खोजबीन शुरू कराई गई। इधर गहमर प्रभारी निरीक्षक द्वारा घटनास्थल से आगे तीन जगह जाल लगवाया गया, लेकिन शनिवार को हिमांशु का कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन रविवार की सुबह गोताखोरों द्वारा खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच करीब 10 बजे किसी ने शव को राजमल बांध के पास बहते हुए देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर घाट पर पहुंची पुलिस ने नाव से शव को बाहर निकलवाया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी, सीओ जमनिया, गहमर प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा, दिलदार नगर आरपीएफ प्रभारी आदि सहित भारी संख्या में लोग पहुंचे। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर राजमल बांध के पास किशोर के शव को बरामद कर लिया गया है। लिखा पढ़ी एवं पंचनामा के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।